please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है श्रीनगर से। रिफत अब्दुल्ला ये जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया है। काफी देर तक ये मुठभेड़ चली जिसमें आतंकियों से इस मुठभेड़ के बाद एक आतंकी सेना के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो गया तो वहीं सेना का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो एक आतंकी ने सेना के सामने सरेंडर किया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है इस एनकाउंटर को लेकर, सीधे बात करते हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, आप सिचुएशन क्या अभी आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है, क्या नॉर्मल हो चुकी है स्थिति? जी बिल्कुल अर्पिता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि रात के दौरान जो है एनकाउंटर शुरू हो गया। ब्रीफ एनकाउंटर तकरीबन एक घंटे तक मुठभेड़ चली। मुठभेड़ में दो मिलिटेंट मारे गए और एक जो मिलिटेंट है उसने बताया जा रहा है सरेंडर किया है या अरेस्ट हुआ है, और साथ ही एक फौजी जवान को भी जो है गोलियां लगी हैं और वो जख्मी हो गया है। एनकाउंटर खत्म हो गया क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को और फौरन आर्मी और पुलिस ने घेराबंदी की खुड़वनी गांव की और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर फिलहाल दो मिलिटेंट मारे गए, एक ने सरेंडर किया और फौजी जवान भी जख्मी हो गया। कितने कुल आतंकी थे रिफत, क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या अभी भी इलाके में किसी तरह का कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए तीन, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है साउथ कश्मीर में, बहुत सारे गांवों का सर्च ऑपरेशन अक्सर रहता है, आए रोज सर्च ऑपरेशन रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जब इन्फॉर्मेशन होती है तो कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है और एनकाउंटर में बदल देता है वो जो है इन्फॉर्मेशन होती है, एनकाउंटर हो जाता है और मिलिटेंट मारे जाते हैं। और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आज भी स्पेसिफिक मिला था, यही वजह है कि रात के दौरान कॉर्डन किया गया और ब्रीफ एनकाउंटर हुआ वहां पे, बहुत जल्द मिलिटेंटों को मारा गया और एनकाउंटर खत्म हो गया। हालांकि इस एरिया में सिक्योरिटी पहले से ही अप कर दी गई है और लगातार तलाशी अभियान जारी रहता है उसमें, लेकिन यहाँ जो खड़वनी का विलेज है वहाँ एनकाउंटर खत्म हो गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉल ऑफ कर दिया ऑपरेशन। शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर से ये एक खबर मिल रही थी। इधर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की बात करें तो यहाँ बारूदी सुरंग फटने से सेना के तीन जवान घायल हो गए। जवान इलाके में गश्त पर थे, इसी दौरान एक जवान का पैर गलती से बारूदी सुरंग पर पड़ गया। विस्फोट में तीन जवान घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।